नमस्कार मित्रों गुरुकुल इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने की लेकर के उपस्थित तो हूँ हम लोग पंचम अंक को पढ़ रहे हैं वर्षा ऋतु का वर्णन है चारुदत्त वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और उनके विभिन्न प्रकार उपमा उपमेय उपमान आदि के का उपयोग करते हुए हमारे सामने एक सजीव वर्षा ऋतु को उपस्थित कर रहा है चारुदत्त उसी क्रम में एक पांचवां पद्य है जिस पांचवें पद्य के माध्यम से देखिए क्या बताया जा रहा है उस वर्षा ऋतु के विषय में वर्षा काल के विषय में संसक्तरिव चक्रवाक मिथुनैर हंसैह प्रदीनिव व्याविदरिव मीन चक्र मकर्यव प्रोत है तैस्तराकृति विस्तरुगत सभ्युन्नत पत्र छेद्यमेह भाति गगनम विश्लेषित वायुना अब जरा इस चीज को देखिए केवल हम चौथी पंक्ति के जो बीच के दो शब्द है भाति गगनम गगनम भाति आकाश सुशोभित तो हो रहा है देखिए कैसे कहते हैं कि चक्रवाक मिथुन अर्थात चक्रवाक युगल संसक्त आपस में जुड़े हुए बारिश के मौसम में ये जो चकवा चकवी हैं एक साथ हो आते हैं आप लोगों ने अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ा होगा जब शकुंतला की विदाई होती है और शकुंतला चकवी की आवाज सुन करके बोलती है कि ये शापी प्रियण गम्यते रजनी विषाद दी विषाद दीर्घतरम गुरुवपि विरह दुखमाशबन्ध सहायति जो अनसुया उनको डाडस बनाती है उस समय राह में चलते हुए चकवा चकवी की आवाज सुनाई पड़ रही है चक्रवाक वधू शब्द जो है वो शब्द का प्रयोग है वसतह अगर जो जो प्रेम का जो जगत है जो प्रेमियों की दुनिया है उसमें चकवा चकवी के प्रणय को अत्यंत आदर्श रूप में जाना जाता है क्योंकि ये दोनों एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते तो ये जो है यहां पर कह रहे संक्षक्त चक्रवाक मिथुनैह यानी आपस में एक साथ बैठे हुए लगे हुए जुड़े हुए या एकत्रित जो है चक्रवाक के जोड़े जोड़ों वाले या जोड़ों से प्रणीनैह हंसै उड़े हुए हंसों से जो हंस उड़ रहे हैं उन हंसों से व्याविधरव मीन चक्र मकर मीन मछली चक्र समीह समूह यानी मछलियों के समूह और मकरै मगर मच्छों से व्याविद मानो लगे हुए गुथे हुए अर्थात युक्त प्रोछ्रितैह हम हर्म्य प्रोच्छ्रित अत्यंत उच्चाई से युक्त स्काई स्क्रिपर्स जिसे हम कहते हैं हर्म्य बड़े बड़ी अट्टालिकाएं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के समान अब यह क्या चीज है इसका क्या संबंध है किससे संबंध है मित्रों देखिए जब बारिश ऋतु से पहले आकाश में हम बादल देखते हैं तो बादल विविध प्रकार की आकृतियों के समान दिखाई देती कभी वो बादल आकाश में आपको पहाड़ के समान लगेंगे कभी वो बादल इस क्रम में रहते हैं कि आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों वाले महल के समान दिखाई देते हैं कभी चकवा चकवी के जोड़ों के समान बादल दिखाई देते हैं कवियों की परंपरा में इस प्रकार का वर्णन है और महाकवि बाण भट्ट सुखना सोपदेश में भी आपने पढ़ा होगा कि गंधर्व रेखेव है ना दृश्यते जो है ना वो गंधर्व रेखा के समान देखते ही देखते जो है वो विलुप्त तो हो जाते हैं वो बादल ठीक तो वो जो चीजें हैं यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कह रहे हैं कि इन इन आकत आकृति विस्तर उन उन आकृतियों से विस्तार को प्राप्त जो सभी समभ्युन्नत है मेघ जो बरसने के लिए रेडी है जो मेघ जो तैयार बैठा है मेघ ऐसे मेघों से वायु ना विश्लेषित ही और क्षण भर में ही वायु से तितर कर दिए जाने वाले जो मेघ है या संसक्त मेघ हैं, हैं, जुड़े हुए मेघ पत्र है भाति गगनम मानो वह गगन पत्र छेद्य की तरह प्रतीत तो हो रहा है अब ये प्रश्न है ये एक शब्द आ गया पत्र छेद्यम, ये शब्द क्या होता है मानो ये पत्र के छेद से एक, एक एक तरीका है एक सलीका है चित्रकारी का यानी पत्र विधि से चित्रकारी की जाती थी प्राचीन काल में मैं इसको ऐसा समझता हूं कि आज जिस तरह हम ब्लॉक्स के माध्यम से विभिन्न चीजों को बनाते हैं तो पत्र छेद्य विधि जो है ना टाइप ऑफ ब्लॉक है ये कि मानो उस पत्र छेद्य विधि से जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों से यह जो बादल है मेघ है मेघ से गगन भाती यह आकाश सुशोभित तो हो रहा है अर्थात आकाश मानो क्या है कैनवास है चित्रपट है और उस चित्रपट पे विविध प्रकार के चित्र से यह बादल सुशोभित तो हो रहा है वह चित्रपट सुशोभित तो हो रहा है कहीं हमें चकवा चकवी के जोड़ों की तरह प्रतीत तो हो रहा है तो कहीं हमें उड़ते हुए हंस के समान प्रतीत तो हो रहा है तो कहीं पे मछली और, और मगर की आकृतियों से युक्त दिखाई दे रहा है तो कहीं कहीं ऊंची अट्टालिकाओं के समान जो वह बादल दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार मानव प्रकृतिगत इस विविध प्रकार के चित्रों से वह गगन वह आकाश मंडल सुशोभित तो हो रहा है सुंदर वर्णन है मैं पुनः पुनः कहता हूं कि हमारे कवियों ने पद्यों के माध्यम से पेंटिंग ड्रॉ किया है एक, एक बहुत बढ़िया चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है आप लोगों में से यदि कोई चित्रकार हो तो यहां से संकेत ग्रहण करके एक सुंदर अपने कैनवास पे आप चित्र का निर्माण कर सकते हैं और खास करके आजकल तो विश्वविद्यालयों में एक परंपरा चल पड़ी है कि संस्कृत के पद्य दे दिए जाते हैं और उन पद्यों के ऊपर में आपको चित्रकारी के लिए कहते हैं और उसके कॉम्पिटिशन होते हैं तो ये बड़ा सुंदर ये इस रूप में एक ऐसा पद्य जिसमें कि चित्रात्मकता है शब्दगत चित्रात्मकता नहीं बल्कि वर्णन गत चित्रात्मकता है जो आप लोगों के सामने यहां परम के पंचम अंक के पांचवें पद्य के माध्यम से समुपस्थापित किया गया है अगला पद्य एत धृत राष्ट्र वक्त सदृशम मेघाधकार नभो हृष्टो चाति दर्पित बलो दुर्योधनो वाशिखी अक्षद्युतजितो युधिष्ठिर इवा ध्वानं गत कोकिलो हंसाह संप्रति पांडवा एव वनादज्ञात चर्याम गत पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के उस पद्य को आप लोग पढ़ें जिसके माध्यम से ऋतु का संकेत दिया जा रहा है उद्गलितदर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपस्विद पाण्डु पत्राणि मुञ्चयन्त्य शूनी अर्थात मोरों ने नृत्य करना बंद कर दिया है हिरणों ने खाना खाना छोड़ दिया है वो कोमल घास खाना छोड़ दिया है पेड़ अपने पत पीले पत्ते गिरा रहे हैं मानो आंसू टपका रहे हैं और इन सब की के परिवर्तन को प्रकृति गत इस परिवर्तन को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि हेमंत ऋतु का वर्णन है उसी प्रकार यहां देखिए वर्षा ऋतु का कितना सुंदर वर्णन है क्या कह रहे हैं कि एक अर्थात यह जो मेघ है ये जो आकाश है ये जो नभ है ए तत् नभ यह आकाश धृत राष्ट्र वक्त सदृशम मेघांधकार अंधकार कैसा लग रहा है तो कह रहा है धृतराष्ट्र वक्त सदृशम यानी धृतराष्ट्र के मुख के समान ये बादल दिखाई दे रहा है अब ये क्या बात हुई ये तो बात समझ में ही नहीं आई क्या कभी किसी को हमने बोलते हुए सुना कि उसका चेहरा जो है वो धृतराष्ट्र के चेहरे के समान है क्योंकि कभी भी धृतराष्ट्र के रूप सौंदर्य का उल्लेख हम प्राप्त नहीं करते वर्णन प्राप्त नहीं करते लेकिन यहां से हम प्रतीक लेते हैं हालांकि यह प्रतीक थोड़ा सा वो है हतोत्साह करने वाला है क्योंकि धृतराष्ट्र अपनी आंखों से देख नहीं सकता तो इसलिए वो आंखों से ना देखा जाना अंधकार के समान हुआ उनके चेहरे पर एक अंधकार की छाया है क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं देता मानो जिस प्रकार धृतराष्ट्र के चेहरे की प्रतीति होती है उसी प्रकार ये जो मेघ जो है का, जो अंधकार युक्त दिखाई दे रहा है हृष्टो गर्जति चाति दर्पित बलो दुर्योधनो वाशिकी। अब यहां पर दुर्योधन अथवा शिखी शिखी यानी मोर कैसे हृष्ट प्रसन्न होकर के गर्जति बारिश के मौसम में जो मोर हैं वो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी केका ध्वनि से जो है ना काई से पूरे इलाके को गुंजायमान किया रहता किये रहता है जहां पर मोर देखे जाते हैं पाए जाते हैं केवल बारिश के मौसम में ध्यान रखेंगे ठीक उसी प्रकार दुर्योधन जिस प्रकार अति दर्पित बलह अत्यंत दर्प घमंड से गर्व से युक्त होकर के और शक्ति से युक्त होकर के दुर्योधन गर्जना करता है उसी प्रकार मानो यह जो शिखी है यह जो मोर है वो गर्जना कर रहा है अक्ष जितो युधिष्ठिर इवाध्वान गतह अक्ष के यानी पासे के जुए में जीता गया युधिष्ठिर जिस प्रकार मौन अधानम गत मौन व्रत को धारण कर लेता है कर लिया था उसी प्रकार कोकिलह गतह। कोकिल ने भी मौन व्रत धारण कर लिया है कोकिल भी ने भी चुप्पी साध ली है और संप्रति पांडवा इव वनात अज्ञात अज्ञातचर्याम है, और जिस प्रकार पांडव वन को वनवास के बाद अज्ञातवास के लिए चले गए थे उसी प्रकार हंस भी संप्रति जो है अब अज्ञातवास में चले गए हैं अब इसको जोड़िए वर्षा ऋतु से जोड़िए वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन को दिखाई दे रहा का वर्णन किया जा रहा है पहली पंक्ति से स्पष्ट किया गया कि बादल जो है वो अंधकार से युक्त तो हो जाता है काली कजरारी बादल छा जाते हैं आकाश में मोर प्रसन्नता से केका करने लगता है कोकिल की आवाज सुनाई नहीं पड़ती और हंस कहीं सरोवर में तैरता हुआ दिखाई नहीं देता अज्ञातवास में चला जाता अर्थात यह परिवर्तन किस ऋतु में होता है बारिश ऋतु में होता है इसीलिए अब आप आगे आकर के आप देखिए पहली पंक्ति में चलिए और देखिए जहां पर कहा था उन्होंने कि उन नमति अकाल दुर्दिनम कि ऐसा लग रहा है कि बिना समय का जो बारिश है वो आ गया है ये वर्षा काल जो है वो उमर घुमड़ रहा है तो इस छठे अंक से उस वर्षा ऋतु के वर्णन को कंक्लूड करते हैं नाटककार अब इसके बाद जो सामान्य कथा पक्ष है जो संवाद है अब हम उसका प्रारंभ देखते हैं थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम देखें तो ये छह के पद्य को हम एडिट कर देंगे एक्टिंग में केवल एक पंक्ति से काम चला लेंगे कि उन दुर्दिनम थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद वारिश ऋतु का पूरा वर्णन वर्षा का वर्णन कर दिया उसको देखने सुनने के बाद विचिंत अचानक उसका ध्यान जाता है किसी और सोच करके और वो ध्यान जाता है उस ओर कि चारुदत्त ने विदूषक को रत्नावली लेकर के भेजा था देकर के भेजा था वसंत सेना के पास कि तुम पहुंचा आओ क्योंकि उनके जो आभूषण थे जो उनके सुवर्ण पात्र थे वे चोरी चले गए तो उनके बदले में ये रत्नावली दे आओ और अभी तक मैत्रेय जो विदूषक है वो लौटा नहीं है तो उसी में थोड़ा सा चिंतन करके सोचते हुए चारुदत्त कहता है चिरम खलु कालो मैत्रेय अरे मैत्रेय को गए हुए तो बहुत समय हो गया है वसंत सेनाया सकाशम गतस्य नाद्यापि आगच्छति चिरम खरु कालो मैत्रेय से वसंत सेनाया सकाशम गत से नाद्यापी बड़ा सरल और सहज वाक्य है कि बहुत पहले जो बहुत देर गए हुआ गया हुआ जो मैत्रेय है वो वसंत सेना के पास से अद्यापी न आगछती अब ये जो अद्या शब्द है क्षमा करेंगे इसका मतलब यहां आज नहीं लेंगे हम इसका सामान्य अर्थ लेंगे कि अभी तक नहीं आया ये मुहावरेदार भाषा है यहां हम डिक्शनरी में नहीं जाएंगे डुबकी लगाने के लिए कि शब्द का अर्थ क्या है अध्यय का तो अर्थ आज है लेकिन ये प्राचीन बोलचाल की भाषा में इस प्रकार के प्रयोग इस प्रकार के वाक व्यवहार थे तो इसीलिए यहां पर अर्थ होगा कि अभी तक लौट करके नहीं आया है अब ये सोच ही रहा है विदूषक प्रवेश करता है विदूषक प्रवेश करता है और जो विदूषक है ऑलवेज आप देखेंगे कि वो कभी भी खुश नहीं रहता है एकदम एक नेगेटिव मानसिकता वाला व्यक्ति होता है बेचैन रहता है उद्विग्न रहता है इरिटेटेड रहता है और शुरू भी करता है उनके जो उनकी जो बातें हैं उनका तारतम्य जो है वो बड़ा ही एक डिफरेंट वे है लेकिन ध्यान रखेंगे वही उसकी जो है वो खासियत है और उसी में लोगों को आनंद आता है और उसी अपने भाव से अपने व्यवहार से लोगों में वह हास्य उत्पन्न करता है तो देखिए विदूषक क्या कहता है अहो गणिकायादक्षणता अदक्षिणता जो गणिका है देखिए गणिका शब्द हम आप सभी जान चुके हैं लेकिन एक इन दिनों डिक्शनरी का अध्ययन करते हुए गणिका शब्द का एक और अर्थ पता लगा जिसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक धन देकर के जो खरीदी जाने वाली जो वस्तु होती है लेकिन यहां पर चुकी गणिका जिस वसंत सेना की चर्चा है वो तो खुद ही उस समय की समकालीन जो राज्य है उसकी सबसे बड़ी सबसे धनाघ्य स्त्रियों में से एक है तो खैर लेकिन फिर भी गणिका गणिका को रूप के रूप में देखते हुए विदूषक कहता है अहो गणिकाया लोभ यह गणिका का लोभ देखो और, और, और दक्षिणता है एकदम पूरी तरह से जिसको कह सकते हैं कि निष्ठुर है किसी तरह की सरलता और सहजता नहीं है क्या ही बात करें आश्चर्य का विषय है कि इस गणिका में इतना लोभ है, है और इतनी ये दयाहीन है असहज है अब भाई क्यों इससे पहले तो हमने वसंत सेना की ढेर सारी चर्चा प्राप्त की और वसंत सेना को एक आदर्श चरित्र के रूप में हम लोग जानते हैं लेकिन यह विदूषक उसको गाली देते हुए कहता है कि भाई इसका लोभ जो है ना कम होता है और इसकी निष्ठुरता नहीं जाती वो खुद कहता है क्यों क्योंकि यह तो न कथापि कृतान्या कोई और बात ही नहीं की मेरे से <laughs> यह देखिए मतलब यह गया था वसंत सेना के पास रत्नावली पहुंचाने के लिए और किसी प्रकार की बात नहीं हुई या नहीं की कोई बैठा करके आओ बैठो चाय पियो नाश्ता पियो ड्राई फ्रूट खाओ इस तरह की कोई बात नहीं हुई तो उसी और संकेत कह रहा है ये। कि क्योंकि मेरे से तो उसने किसी भी प्रकार की बातें नहीं की केवल एक ही बात की कि भणित्वा किमपी एवमेव गृहिता रित्नावली कि स्नेहानुसार धा विविध प्रकार से भणित्वा कुछ कुछ बोल करके किमपि भणित्वा कुछ कुछ बोल करके एवमेव एव गृहता रत्नावली इसी तरह से रत्नावली ले ली ना हेलो ना हाय ना थैंक यू ना चाय ना पानी बिना किसी कटसी के इधर उधर की बात कर ली इसने मेरे से और रत्नावली ले ली इसका तो लोभ है ये तो गणिका जो होती है लोभी होती ही है और ये निष्ठुरता भी होती है इसमें एतावत्या न तया हम कि आर्य मैत्रेय विश्रम्यताम भाई इतनी अधिक रिद्धि वाली धन संपत्ति वाली दौलत वाली उनके द्वारा मैं इतना तक नहीं कहा गया अर्थात तो उस वसंत सेना ने मुझे यहां तक नहीं कहा कि आर्य मैत्रेय विश्रम्यताम भाई आर्य मैत्रेय आप आए हैं बहुत दूर से हैं थके हारे आए हैं थोड़ी देर आराम कर लीजिए या मल्लके न पानी पीतवा गम्यताम या जो ये पानी का पात्र है ये जो घड़ा है इस घड़े से पानी लेकर के पी कर तब जाए देखिए हम तो इसको विदूषक के माध्यम से समझ रहे हैं लेकिन हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक सामाजिक और पारिवारिक परंपरा आ रहा है उसकी ओर भी संकेत देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के यहां जाता है तो कुर्सी में उनको ये सारी बातें जरूर पूछी जाती होगी इसीलिए विदूषक यह कहता है कि मुझसे इन्होंने ये बातें नहीं पूछी यानी पानी तक पीने के लिए नहीं पूछा हम लोग भी कहीं से आते हैं और कभी कभी ऐसे भूलवश कहीं पर स्वागत सम्मान नहीं होता तो आपस में तो बात करते हैं ना कि उसने पानी तक के लिए नहीं पूछा जो एक जो सामान्य जो वाक सुख का जब आनंद हम लेते हैं तो इसमें इस तरह की बातें करते हैं और विदूषक भी उसी तरह से इस बात को हमारे पास प्रस्तुत कर रहे हैं कि उस दुष्ट दासी ने उस दुष्ट गणिका ने हमसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। पूछाव पुत्रिया गणिकाया मुखम द्रक्षामि मैं तो आज से अब निर्णय लेता हूं कि अब मैं कभी भी उस गणिका की बेटी का मुंह तक नहीं देखूंगा फ्रस्ट्रेशन है मतलब एक पूरी तरह से झुंझलाया हुआ है दुखी सा है और कहता नहीं आज के बाद तो मैं इसके यहां जाऊंगा नहीं मैं चौखट पे पैर नहीं रखूंगा इसका मुंह तक नहीं देखूंगा इस दुष्ट गणिका ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा चलो विदूषक है सुनकर के भी आनंद आता है सनिर्वेदम फिर थोड़ी देर लंबी सांस लेता है और खुद बोलता है सुष्ट खलुच्यते भाई किसी ने ठीक ही कहा है देखिए बड़ी अच्छी उस समय का जो लोक व्यवहार उस समय की जो सामाजिक जो एक व्यवस्था के अंतर्गत किस तरह की बातें होती रहती थी बड़ा सुंदर चित्र यहां पर विदूषक ने उपस्थित किया है कि अकंद समुत्थिता पद्मिनी वंचको वणिक अचोर सुवर्ण कार ग्राम समागम और अलुब्धा गणिका इत दुष्कर्मे थे इस संसार में बिना जड़ के निकली हुई पद्मिनी यानी कमल का पेड़ भाई बिना जड़ से कंद यानी जड़ है यहां पर अकंद यानी जड़ के बिना समुत्थिता उत्पन्न हुई पद्मिनी पद्मिनी यानी कमल का पेड़ वंचको वनिक ऐसा बनिया जो ठगने वाला ना हो देखिए प्राचीन काल में यह परंपरा है कि प्राचीन काल में भी जो बनिया लोग होते होंगे वो लोगों को मूर्ख बनाते होंगे ठगते होंगे पैसे ऐटते होंगे और ये आज की नहीं आज से लगभग पंद्रह सौ वर्ष पहले की ये बात है सुवर्ण सुवर्णकार और ऐसा सुनार जो सोना ना चुराए उस काल में भी सोना सुनार जो होते थे वो सोना चुराते थे और आज भी चुराते हैं अकाल अकलहो ग्राम समागम और गांव में जो कोई सभा मीटिंग हो और उसमें लड़ाई ना हो मित्रों एकदम जीवंत तो वर्णन है आज भी आप गांव घर में चले जाएं, अगर कोई पंचायत आदि बुलाए और पांच लोग मिलकर के किसी विषय पर चर्चा कर रहे तो वहां लड़ाइया होती ही है और आज भी होती है और प्राचीन काल में भी होती थी अलधा गणिका और वेश्या जो लोभी ना हो तो देखिए एक कमलिनी जो बिना जड़ के उत्पन्न होने वाली बनिया जो ना ठगे सोना सुनार जो सोना ना चुराए ग्राम सभा जिसमें लड़ाई ना हो और वेश्या जो लोभी ना हो मेते संभाव्यंते यह चिंतन ही जो है वह दुष्कर है ऐसा प्राप्त तो होना अत्यंत मुश्किल है अर्थात गणिका होगी वेश्या होगी तो वह लोभी होगी ही गाँव में सभाएं होंगी तो लड़ाइयां होंगी ही सुनार होंगे तो वो सोना चुराएगा ही बनिया होगा तो वो लोगों को ठगेगा ही और कमल यदि है कमलनी यदि है तो बिना जड़ के नहीं हो सकती तो बड़ी सुंदर बात है मानो समाज का एक यथार्थ लेकिन चित्रण हमारे सामने नाटककार ने विदूषक के माध्यम से प्रस्तुत किया है और तभी हम कहते हैं कि समाज सदैव एक समान होता है व्यक्ति सदैव एक समान होता है हमारी सुविधाएं बदलती है हमारी व्यवस्थाएं बदलती हैं लेकिन हमारा चिंतन हमारा विचार हमारा रहन सहन और हमारे हृदय में उठने वाले जो हाव भाव है सदैव एक समान होता है चाहे आप रामायण काल की चर्चा करें महाभारत काल की चर्चा करें गुप्त काल की चर्चा करें काल की चर्चा करें या इस काल की चर्चा करें अस्तु परिक्रम्य दृष्टवा बेचारा विदूषक एक बार वहीं पे जो स्टेज है उस पर थोड़ी देर इधर धर घूमता है घूम करके अचानक उनकी दृष्टि कहीं जाती है उनकी नजरें किसी और जगह जाती हैं और देखता है विदूषक की कथम प्रिय वयस्य वृक्ष वाटिकायाम उपविष्ट अरे भाई मेरा मित्र ये जो चारुदत्त है ये तो गार्डन में बैठा हुआ है ये तो वृक्ष वृक्ष वाटिका यानी वो वाटिका वो बगीचा जहां पर पेड़ हो तो पेड़ों वाली वाटिका इसलिए गार्डन उद्यान में बैठा हुआ है दिखाई पड़ रहा है उपसर चलो तब तक उनके पास चलते हैं पास जाकर के स्वस्ति भवते भाई कल्याण हो आपका और वर्धताम भवान ये कड़सी सेंटेंस है ये ऐसा नहीं है हाँ एक अलग चीज है कि चूंकि ब्राह्मण होता है विदूषक तो ऐसे ब्राह्मणों के मुंह पर इस तरह के वाक्य रहते होंगे लेकिन यहाँ पर भी जैसे हम लोग आजकल एक नई परिपाटी में एक पाश्चात्य आ, सभ्यता के अंतर्गत हेलो हाउ आर यू इज ओके इस तरह के का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी लोक परंपरा में आपस में जब इस प्रकार के लोग मिलते थे तो इस तरह का एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए ये शब्द ये मुहावरे प्रयोग में लाए जाते थे स्वस्ति भवते वर्धताम भवान मित्रों इसके बाद चारुदत्त देखता है विदूषक को और बड़ा प्रसन्न होता है देख करके अरे एक आश्चर्य वाला भाव अरे सुहृन में मैत्रेय प्राप्त अरे मेरा मित्र मैत्रेय आप आ गए चेहरे का एक भाव भाव वयस्य स्वागतम आस्यता मित्र आओ तुम्हारा स्वागत है आओ बैठो विदूषक उपविष्टोस में हाँ जी लीजिए मैं बैठ गया चारुदत्त अब पूछता है उस बात के विषय में बिना समय गंवाए हुए क्योंकि चारुदत्त की चिंता यही थी कि विदूषक को गए हुए बहुत समय हो गया है मैत्रेय को और अभी तक आया नहीं पता नहीं रत्नावली इसने पहुंचाई या नहीं पहुंचाई या सुवर्ण भांड की तरह यह भी कहीं इसने गुम कर दिया चारुदत्त पूछता है वयस्य मित्र कथा तत्कार्यम जरा सुना उस कार्य के विषय में विदूषक कहता है कार्यम विनष्ट सर मैं क्या बताऊं भाई चारुदत्त मित्र मैं आपको क्या बताऊं वो जो काम आपने दिया था वो उस कार्य का तो सत्यानाश हो गया वो कार्य विनष्ट हो गया बर्बाद हो गया मतलब अच्छा नहीं रहा चारुदत्त इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पूछता है कि रत्नावली क्या उसने रत्नावली नहीं ली क्या वसंत सेना ने विदूषक कहता है कुतोस्माक में तागधेयम में एतावत भागधेयम भाई मेरे नसीब में ये कहां लिखा कहां से मेरे देखिए ये भागधेय शब्द अपने भाग्य आदि के विषय में कि मेरे भाग्य में ये कहां हमारे भाग्य में हम लोगों के भाग्य में यह नहीं है नव नलिन कोमल मंजलिम मस्तके कृत्वा प्रतिष्ठा भाई नव नलिन कोमल मंजलिम बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग है और कवि लोग इसका प्रयोग बार बार करते हैं देखिए नव नलिन नलिन नव नलिन यानी यहां पर नए जो कोमल हैं आ, कमल हैं उस कमल के कोमल कमल के समान कोमल अंजलि को माथे पे रख करके अब समझिए देखिए कैसे बना ये शब्द नए कमल का मतलब है कि नए नए जो निकलने वाले कमल है अर्थात कमल की कली जो इस तरह की होती है इस शेप की होती है और कह रहा है कि उसको अंजलि ऐसे अंजलि बना के यानी कमल के समान कोमल अंजलि को मस्तके कृत्वा माथे पे रख करके प्रतिष्ठा उसने वो रत्नावली ले ली मैं तो ये सोच के गया था कि नहीं लेगी वो दुष्ट लेकिन उसने तो बिना समय बिताए और थैंक यू पूर्वक उसने रत्नावली ले ली अब यहां पर वही जो मैंने थैंक यू पूर्वक जो शब्द प्रयोग किया यानी धन्यवाद पूर्वक जो ये है कि धन्यवाद के साथ इसका मतलब यही हुआ कि धन्यवाद के साथ उसने वो रत्नावली ले ली तो चारों दत्ता कहता है कि तक्तिम रविषि विनष्टमिति तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि वो विनष्ट यानी नष्ट हो गया विरुषक कहता है भो कथम न विनष्टम भाई वो कैसे विनष्ट वो विनष्ट नहीं हुआ ये काम यदा भूक्त पीतस्य चौरै रपितस्य अल्प मूल्यस्य सुवर्ण भांडस्य कारणा चतौ समुद्र सार भोता रत्नमाला हारिता आप जरा ये समझिए कि बिना खाए पिए चौर चौरईरपहित चोरों के द्वारा चुराए गए अल्प मूल्य से सुवर्ण भांडस्य बहुत ही कम कीमत वाले वो सोने के पात्र के बदले में चतु समुद्र सार भूता रत्नमाला अर्थात इतना महत्वपूर्ण वह रत्नावली थी उससे कीमती रत्नावली थी उस रत्नावली को उस दुष्ट ने ले लिया चारुदत्त कहता है वयस्य माम एवं नहीं ऐसे नहीं बोलते चिंता की बात नहीं है यम समाल विश्वास न्यासोस्मासुतया कृत तस्य अब देखिए ये जो सुंदर सी पंक्ति है ये पंक्ति कह रही है कि यम समालंब्य विश्वास न्यास असमासत यानी यम विश्वासम समालंब्य जिस विश्वास को आधार बना करके तया अर्थात तया वसंत से नया उस वसंत सेना के द्वारा अस्मासु हमारे ऊपर न्यास कृत हमारे ऊपर उसने न्यास के समान रखा धरोहर के समान रखा तस्तन महत्वमूल्यम प्रत्यय दीय इसीलिए उनका जो इतना बड़ा जो मूल्यवान जो है वो उसी विश्वास के कारण उसको लौटाया गया है मतलब देखिए एक व्यक्ति यदि आपके ऊपर विश्वास करता है तो जिसके ऊपर विश्वास किया जा रहा है उस व्यक्ति की यह भूमिका है उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि उस विश्वास को बनाए रखे और मैं चारुदत्त उस विश्वास के कारण ही उनके सामने जो है रत्नावली हमने दिया मित्रों हमारे साहित्य में न्यास की बड़ी अच्छी महिमा बताई गई है आप लोगों ने महाकवि को पढ़ा होगा और आप लोगों ने महाकवि कालिदास को पढ़ा है दोनों ने न्यास की बड़ी सुंदर महिमा हमारे सामने प्रकट की है स्वप्न तो वासव दत्तम में एक और जहां भास कहता है कि दुखम न्यास्य रक्षणम न्यास की रक्षा करना अत्यंत कष्टमय है, है वहीं उसी न्यास रूप पुत्री के विषय में महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतिम पद्य में कहते हैं और अंतिम पद्य में भी मेरे ख्याल दो पंक्ति में कहते हैं कि जातो ममायम किस इवातरात्मा कि जिस प्रकार किसी के धरोहर को वापस करके व्यक्ति सुख का बोध सुख का अनुभव करता है उसी प्रकार हमने अपनी पुत्री को के पति के हाथ सौंप करके मैं सुख को प्राप्त हो रहा हूं तो यहां पर भी उसे न्यास को स्पेशली यहां चर्चा में लाया गया मैं इस पद्य का विस्तार और बढ़िया से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा आज आप लोगों ने सुना ध्यानपूर्वक सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद